हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल सबके। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे जाके बात करने वाला हूँ जहाँ पे खुद भाई अपना ही एक बंदा जो कि हमारे दिल के करीब है वो फंस चुका था। और ये सब चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई, क्या अभी चल रहा है, अभी कैसी स्टेट है, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने सब पर्सनली देखी है चीजें। तो शुरुआत करते हैं भाई एक रिएक्शन वीडियो से जहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई, उस पे लेके चलता हूँ तुम्हें सीधा। भाई शुरुआत जो चीज हुई थी ना भाई, वो सब चीज यहाँ इस वीडियो से स्टार्ट हुई थी जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था। तो मैं भी खुद से दिखा देता हूँ, मैं ठीक है थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि एक्सप्लेन करना ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। लेट्स गो। आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है, खैर यहाँ पे आके मैं फ्री फायर करता हूँ। सुना भाई फ्री फायर कर रहे हैं, मैं दोबारा सुनूंगा इसको, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। भाई पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ दो तीन चीज क्या हुई यहाँ पे। चीज दो तीन ऐसी हुई, एक तो सबसे पहले इसने दाढ़ी ऐसे कर रखी है एकदम हिटलर टाइप, यूं वो लग रहा है कि भाई एकदम मजाक उड़ा रहा, बट वो उड़ा नहीं रहा था। ठीक है, वो भाई उसके मजे लेने की ऐसी थोड़ी बहुत आदत, तुम देख सकते हो। एक तो यहाँ से इसने यूं काट रखी पूरी दाढ़ी और यूं बना रखा, तो उससे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा यूं बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा था भाई। सही बताऊं मुश्किल होता है, बंदा नीचे से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है, खैर यहाँ पे आके मैं फ्री फायर करता हूँ। क्या हरामी आदमी है भाई ने फ्री फायर ही बोला है। भाई को कोई बताना यार जाके कि भाई फ्री फायर गेम है। हाँ यहाँ पे वो हो जाती है थोड़ी सी चीजें। और एक दो चीज और थी इस वीडियो में जो कि मेरे ख्याल में सोविक भाई को अच्छी नहीं लगी, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या था। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत तरीके से फंस चुका था मैं, पर ऐसे करके इसको भी खत्म कर देता हूँ। इतना मैं नोटिस करता हूँ पीछे से नीड का पिन खींचने का साउंड आ रहा था, आगे जाता हूँ जल्दी से। चोक तो हुआ था भाई वो वाला, बहुत गलत। इसको भी खत्म कर, बहुत सही मारा। पहले तो लगता है कि इवेंट खाली हो चुका है, साथ ही एक बंदा और भी था जिसको मैं आगे चलते स्पॉट करता हूँ। फिलहाल देखो क्या जल्दबाजी, तो मांगे आगे 15 किल हो गए भाई। टीममेट को अभी भी किल नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग मी कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए मेरे को किल यहाँ पे। सो भाई झूठ अच्छा बोल रहे हैं सोविक डी भाई, वैसे है ना गाइस। ये मतलब वो साथ में इसीलिए खेल रहा है कि वो किल दिला रहा है, ये ऐसी बात है भाई। सच बोल दो कोई बात नहीं यार, सबको अपने ऑडियंस से सच बोल देना चाहिए है ना। यहाँ मैं भी बोल देता हूँ कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ, आप भी बता दो। गुमराह नहीं करते किसी को, तो जाओ। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पे मेरे ख्याल में सोई भाई ट्रिगर हो गए थोड़ा सा, और तब उसके बाद वीडियो बनानी पड़ी है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट था, बट इसके अलावा भी वीडियो 22 मिनट की है, ये पार्ट सिर्फ 2 मिनट का था जो कि देखा गया है ना। अभी तुम्हें इसके अलावा भी चीजें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना भाई, ये देखना। नेड मारा, नेड पटेगा नहीं, नेड तो पटा लेकिन बंदा नहीं पटा, दो बंदे आए और तीन है भाई। क्या क्लच था भाई, ये क्या था ब्रो, एक और आखिरी उसका आखिरी आया तो पक्का भाई सोविक डी भाई मर गए आखिरी बंदे से, इसीलिए डाला नहीं। अबे यार क्या मजे ले रहा है, हर बात पे सही है मजे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ तारीफ देखो, जहाँ पे तारीफ था वो तारीफ कर रहा था, यहाँ से हुआ थोड़ा सा शुरुआत। अब आगे का दिखाता हूँ क्या हुआ। अब आ जाते हैं भाई सोविक भाई की वीडियो पे हमारे, ठीक है, जहाँ पे वो थोड़ा सा बुरा मान गए इस चीजों का, एंड अब क्या हुआ तो वो भी देख लो। अच्छा बोल रहे हैं सोविक डी भाई की वैसे, है ना। अच्छा भाई क्या झूठ बोल दिया हमने, भाई सच बोल दो कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ। चैनल का नाम है थॉर गेमिंग, ये भाई साहब ने हमें कर दिया है रोस्ट। सोविक डी 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 क्या होता है, सोविक डी सोविक डी डी फॉर डेंजरस। भाई कमेंट कर करके ना लोगों ने, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ किसी बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी कैसे हो सकती है, जो मतलब हर कोई कह रहा है सोविक डी पे मतलब रिएक्ट करो सोविक डी पे रिएक्ट करो, और किसी का नाम ही नहीं आ रहा है। इक्के दुक्के लोग जोनाथन का नहीं ले रहा कोई, मैं सोविक डी मैंने देखो नाम जरूर सुना था भाई ने, मेरा नाम सुना था, और मैंने ये भी देखा था कि पबजी मोबाइल ने भाई को फॉलो कर रखा है। अच्छा पबजी मोबाइल ने फॉलो कर रखा है, ये भी पता है भाई को, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा मतलब कभी गेम प्ले अच्छा नहीं देखा था इनका। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भाई ने मेरा नाम सुना था, पबजी मोबाइल ने मेरे को फॉलो किया था कुछ सदियों पहले, वो भी भाई को पता है।
पर बंदा मेरा गेम प्ले आज तक नहीं देखा है, कोई इसको झूठ नहीं बोलेगा भाई, सच बोल रहा है, 100% सच बोल रहा है, ये मेरा गेम प्ले आज तक नहीं देखा है। उसके बाद भाई साहब ने क्या किया, मेरे पिछले जन्म की कुछ गेम प्ले उठा के लेके आ गए, जिसपे ना मैं फेस कैम कर रहा था। अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो या तो मेरे पास स्किन भी नहीं था भाई, वो गेम प्ले मेरे को रोस्ट कर रहा है ये लोंडा। चलो ठीक है, सह लेंगे। मुश्किल होता है, बंदा नीचे से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है। खैर यहाँ पे आके मैं फ्री फायर करता हूँ। हो गया भाई इतना सो भाई फ्री फायर बोल दिया था क्या हमने? हो जाता है भाई, स्टार्टिंग टाइम है ना, फेस कैम सीख रहे थे, कर देते थे एडिटिंग, रॉ डाल देते थे, समझो भाई। यार भाई को कोई बताना यार जाके कि भाई फ्री फायर गेम है। अच्छा फ्री फायर एक गेम है, क्या बता दिया आपने भाई। ठीक है, इसको जो बोलते हैं वो प्री फायर बोलते हैं। अच्छा इसको प्री फायर बोलते हैं। थैंक यू भाई, आपने क्या सिखाया भाई, ये चीज मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसके बदले में भाई यहाँ पे ये जो वीडियो थी ना, ये देखो थोड़ी बहुत फनी भी थी, बट एंड में थोड़ा सा लेवल का हाई हो गया था। ठीक है, इस वीडियो को मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ एकदम हेट वीडियो थी। देखो वीडियो ये बढ़िया थी, इसमें कोई वो नहीं है कि बेकार थी, ये थी बढ़िया वीडियो बनाई थी सोविक भाई ने भी। पर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सीन हो गया था सरकमस्टांसेस कि थॉर को वहाँ पे इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग जाता है, पता नहीं क्यों। ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ले तू भी आ। सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? तुम लोगों को लग रहा होगा ये नॉर्मल गेम प्ले है, ये बहुत पुराना गेम प्ले है गाइस, बहुत पुराना, मतलब देख के ही पता चल रहा है क्वालिटी से कि ये काफी ज्यादा पुराना गेम प्ले है। अच्छा थोड़ी देर पहले हंस रहे थे तब पता नहीं चल रहा था भाई, तो उस हिसाब। अरे यार देखो भाई, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये सही में ये ऐसे ही बात करता है भाई, सही में ऐसे ही बात करता है, और ये इस टाइम पे जेन्युइनली बोल रहा था कि यहाँ पुराना गेम प्ले और फिर भी अच्छा खेल रहा है। सही में देखा जाए तो अगर यहाँ पे भाई ने सोविक भाई ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत मेरे ख्याल में ले लिया, बट अब तो ठीक है यार सब कुछ ठीक है। मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आया हूँ कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है ना, मैं किसी को रोस्ट कर रहा और ना मैं किसी की साइड ले रहा भाई। सही में अगर देखा जाए तो भाई खतरनाक है ब्रो, सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड, बट ये बंदा थोड़ा सा दोगला किस्म का है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको जब पता है कि इतना पुराना गेम प्ले है, बंदे के पास स्किल नहीं है, रिकॉर्डिंग में क्वालिटी भी नहीं है, वो बंदा पकड़ के वो पिछले जन्म का वीडियो को भी बैठ के रोस्ट कर रहा है, जबकि उसको सब पता है। टीममेट को अभी भी खेल नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग मी कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरे को खेल। हाँ ये मैंने आपको चीज दिखाई। यस ना भाई, बीच बीच में जरूरी है क्या भाई? ये जो ये है ना, ये जो हंसी करी है यहाँ पे ये बंदे ने नीचे उधर उधर, ठीक है ये मस्त थी यार। फनी थी भाई, ये तो फनी थी यार, देखो यार मानो मत मानो। वीडियो बनाता हूँ। अबे क्या शर्म बंदा है भाई, अपने ऑडियंस को बोलता है मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ। अगर तुम्हें अपना गलती पता है कि स्क्रिप्टेड बनाते हो तो भाई सुधर जाओ। ये बंदा कुछ स्क्रिप्टेड बनाता है और हम पे लांछन लगाता है कि स्क्रिप्टेड बनाता है। इसका जवाब तो इसके कमेंट सेक्शन में पूरे डीआर पे भर दिया, जिसके वजह से कमेंट के टॉप पे ये क्या लिखा था मेरे को ना पता, बट बाद में ये एडिट जरूर किया है और फिर यहाँ पे नीचे उसको मजबूरन लिखना पड़ा आई एम ऑल्सो ए डीआर मेंबर। दुगला तो है भाई। आप भी बता दो। चलो फिर मुद्दे पे आते हैं, एक रॉ फुटेज दिखा दो। मैं कैमरा ऑन, भाई ने अपना फोन फ्लेक्स कर दिया भाई, देख रहे हो S23 अल्ट्रा कर लिया। ये देखो ये गेम प्ले है, यहाँ पे मेरे साथ वही सेम टीममेट खेल रहा है एक्सो गेमर, और यहाँ पे सामने एक बंदा आपको नोटिस हो रहा है। हाँ यार इसमें ना इसने एक पॉइंट भी रेज करा था कि मतलब जो टीममेट होते हैं ना वो किल दिलाने के लिए होते हैं, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं भी कर देता हूँ कि वहाँ पे ऐसा सीन हुआ था कि मैं भी थोड़े से गेम प्ले बनाता था, तो वहाँ पे मैं भी किल देता था, ठीक है, जो गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा होता था, या फिर अगर मैं भी किल मार रहा हूँ 30-35 तो वहाँ पे मैं भी किल मांगता था बंदों से कि हाँ मेरे टीममेट से कि हाँ दे दो। पर यहाँ पे इन्होंने सोविक भाई ने डिफेंड करते हुए बोला कि नहीं मैं दोस्तों से किल नहीं मांगता हूँ, खुद करता हूँ। मे भी हो सकता है यार, ठीक है अपना अपना गेमिंग स्टाइल होता है, तो वो भी मान सकते हैं पॉइंट को, ठीक है इसमें तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं है किल मांगने में भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जैसे ही वही वाली बात है, मैंने दूसरे रिएक्शन में बोला था अपने, अपना जैसे अपने कंटेंट बेस्ट होता है वो करना चाहिए भाई क्रिएटर्स को, है ना, सिंपल बात है भाई। और स्क्रिप्टेड तो नहीं है यार मेरे ख्याल में, उसने बोला थॉर ने मेरे ख्याल में कंटेंट को तो स्क्रिप्टेड नहीं बोला, उसको कंटेंट तो जेन्युइन है यार मेरे हिसाब से, मैंने देखता भी था पहले, और मेरी लॉबी में भी आए थे भाई एक बार पता है रैंडम बन के, तो वो भाई प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्क्वाड खेलता हूं मैं ज्यादातर, जब बोर लगता है बुला लेता हूं अपने खास दोस्तों को,
यही है सीन। और ये बातें तो था जो मेरे को ब्लेम लगाया था कि स्क्रिप्टेड बनाता है, अपने ऑडियंस को सच बता दे। और मैं अरे अरे भाई नहीं, अरे ये थोड़ा सा ऑडियंस को सच बताने वाली बात वही थी यार कि मतलब ये सच बता दो कि टीममेट से किल मांग रहा था। स्क्रिप्टेड किसने कब बोला यार? स्क्रिप्टेड पता नहीं मेरे को बोला या नहीं बोला। बोला था, स्क्रिप्टेड बोला था तूने वीडियो को। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैंने स्क्रिप्टेड इस चीज को बोला था जो मतलब जो ऑल पे टीममेट्स जो आवाज करते हैं ना जो बोलते हैं कि ओए आ जा अभी देख तेरे को बताता हूँ साले 1v4 करेगा। मैंने इस चीज को बोला था कि मॉर्टल भाई ने भी एक्सेप्ट कर ली थी ये चीज। बाकी मेरी सोविक भाई से बात हुई तो सोविक भाई ने बोला कि भाई वो भी चीज मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैंने कहा ये भी मेरी गलती है, मानता हूँ कि हो सकता है कि भाई 15-15 दिन में गेम प्ले बनाते हैं और बस गलती ये थी हमारी समझ की गलती थी बस। अभी क्या है हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया है, ठीक है अब हम मिलेंगे भी। भाईचारा ऑन टॉप हो गया है, भाईचारा ऑन टॉप हो गया है क्योंकि भाई को भी समझ में आया कि मेरी तबीयत मेरी हेल्थ पे बहुत दिक्कत हो रही है तो भाई ने बात भी करी काफ़ी देर तक मेरे साथ। अभी वो मिलने के लिए भी बोल रहे हैं। और दूसरा एक ये चीज़ भी है कि भाई शायद मेरे ख्याल से एक अपने डिफेंड में भी तो बनाएंगे ना वो वीडियो, तो वो अपनी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। मेरे से तो वो क्लियर कर चुके हैं कि भाई जैसा तू सोच रहा था वैसा नहीं है, मेरे को क्लियर हो गई है। अब बाकी भाई खुद ही अपनी वीडियो लाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे गाइस। तो ना तो यही वाली बात थी, वो स्क्रिप्टेड गेम प्ले को नहीं बोला था, ऑल वाले बंदों को बोला था। बट वो भी हमारी भाई से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि जेन्युइन है वो भी सही में। यार क्या बात है भाई, मेहनत तो चल रही है यहाँ पे। लोग बोलते हैं कि जिंदगी को बस में करने के लिए लड़ना पड़ता है। अरे 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 ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, कैसे कर रहे हो? लोग बोलते हैं जिंदगी को बस में करने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं भी करूंगा भाई ये तो। लोग बोलते हैं जिंदगी को वश में करने के लिए लड़ना पड़ता है। कैसा करा मैंने बताओ भाई, मैं मजे लेने आया हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, मैं उसकी साइड, मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं भाई, हम तो लेने आए मजे, ठीक है। और थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी एक्सप्लेन करने की क्या हो गई थी, बट अब सब सही है। ऐसे बोलो भाई, लोग बोलते हैं कि जिंदगी को जोक से पार्ट, ये मैं नहीं बोल रहा, उनके सब्सक्राइबर बोल रहे, मेरे डीआर में बोल रहे, कमेंट पे बढ़ दिए, खुद स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है आप पे ब्लेम कर रहा है। तो वहां से मैं सुन लिया था, पर अभी टाइम आ चुका था कि मैं भी तो जाके एक बार भाई का चैनल देखूं। जब मैं यहाँ पे चैनल सर्च करता हूँ यही है भाई का चैनल, ऊपर से नीचे तक थंबनेल पे गौर मत करो अभी यार। ये तो है भाई, देखो यार अपना भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है घर चल रहा है बस चलने दो यार, क्या दिक्कत हो गई है ना भाई। सो एक भाई, मैं भाई का कुछ वीडियो देखने के लिए जाता हूँ। तेरा आफरीन, मेरा नाम है आफरी, आफरीन आफरीन आफरी, टीममेट का धीरे धीरे करके आ बढ़ते बढ़ते जा रहा है आफरीन। अरे यार आ काम फ्री, क्या मतलब? अरे देख आराम से सुन और बोल आ फ्री। सोचो ऐसा माइंडसेट का बंदा भाई, ये क्या कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है यूट्यूब में। देखो देखो अरे वो सब छोड़ो, वो सब चीज छोड़ो, ये देखो यहाँ पे नीचे बंदा, अरे ये देखो मैंने क्या पकड़ा है भाई की वीडियो में, अरे ये देखो ये कौन झांक रहा है, ये कौन झांक रहा है यहाँ पे, ये पीछे से कौन झांक रहा है। अरे भाई ये कैसी फोटो, अरे भाई ये क्या होगा भाई को, ये कैसा मुंह होगा, खतरनाक है। आ फ्रेन क्या है, इस पर क्या सीखेंगे ऑडियंस इसका? ये सुना है तूने? ये वो ये भाई, ये वो पता है कौन है, फियर बीच वो ये जो प्रैंक हुआ था गुरुजी के साथ, वही लौंडिया है यो। अब समझने वाले समझ जाएंगे कौन है ये, कमेंट सेक्शन में बताओ तुम कौन है ये लड़की। थोड़ा लड़कियों के साथ तमीज से रेस्पेक्ट दे के बात करके आपको भी बदले पे रेस्पेक्ट मिल सकता है। मैम गुस्सा ना कीजिए, नेक्स्ट टाइम रूल आपका होगा, आप जैसे रूल बोलेंगे आपके रूल पे। हाँ और यहाँ पे थोड़ा सा वो एंड तक जाते जाते बहुत सीरियस टाइप हो गई थी ये वाली वीडियो, पर रिस्पेक्ट विस्पेक्ट की बात हो गई थी तो यहाँ पे अब थॉर को आ जाता था गुस्सा, ठीक है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उसकी, मतलब ऐसे ही थोड़ी सी हेल्थ वेल्थ भी ठीक नहीं थी तो ऐसा सीन हो गया था भाई लास्ट में, ठीक है। एंड सही बताऊँ ये पर्सनली अगर मैं इसको जानता हूँ जब से, भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है वीडियोज़ में। यार देखो अपना जो अंदर का इंसान होता है वो अलग होता है, ठीक है वीडियोज़ एक
अलग चीज से शूट होती है और हम असली में कैसे है वो मेरे ख्याल में अलग होते हैं। मैं भी जैसी वीडियोस बनाता हूँ, ऑफकोर्स मैं असली में नहीं हूँ भाई ऐसा, तो ऐसा ही वो। और सुविक भाई भी जैसा हम यहाँ पे दिखाते हैं, ओह यस, तो वो बहुत प्यारे हैं भाई असली भाई भी। तो हमारी बात हुई थी तो काफ़ी सही लगा बात करके, है ना। और हम थोड़ा बहुत मिलने भी जाने का प्लान बना था, आपको पता ही है जैसे, तो वो भी मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। तो अब यही सीन होता है, ये वाली वीडियो के बाद थॉर भी थोड़ा सही हो जाता है। ओह मैं हूँ थॉर, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। तो वहाँ पे भी वो थोड़ा हो जाता है खतरनाक सीन, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा फिरा हो जाता है हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक घंटे की भाई ने वीडियो बना दी है, 1 घंटा 9 मिनट की, ठीक है। खुश देखो कैसे है, खुशी खुश है एकदम। तो यहाँ पे ये इसके भी थोड़े बहुत पार्ट दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया था। रोस्ट बना दिया यार मेरा, तो रोस्ट कर दिया, मैं तो एकदम देख रहे हो जला वो हूँ सोविकटी भाई ने। यार मैंने सब कुछ बोला, चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी इनकी वीडियो आई है थोड़ी देर पहले और मैं कुछ वीडियो डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो इनका ही जवाब देते हैं। यहाँ भी मैं साथ में था तो ये थोड़ा सा हो रहा था यार कि गलत बोला भाई ने, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको गुस्सा भी आ गया था कि, और इसको बुरा भी लग रहा था कि यार ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में, तो यही सब हुआ था। बाकी चीजें बाद में करेंगे, तो अभी भाई ने क्या बोला है मेरे बारे में मुझे नहीं पता अच्छे से, वही बातें बात करेगा भी ये, तो मैं इसकी भी बात दिखा देता हूँ। टाइप पे पहले खेल चुके हैं, वीडियो बाद में बनी है, तो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी चीज ध्यान से सुनना कि गाइज, अब से मैं मतलब सीक्रेट बात बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मैं कुछ ब्रांड्स प्रमोट करूंगा, ठीक है। ब्रांड्स मतलब इन द सेंस, मतलब देखो जो नॉर्मल ब्रांड है वो तो ठीक है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई वेबसाइट प्रमोट करता हूँ जिसमें पैसा लगाओ और ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ गाइज उस चीज़ पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। आप लोग इस चीज़, तो यही सब बातें यहाँ पे हो गई थी कि ये बता रहा था कि इसने थोड़े बहुत पॉइंट्स रखे थे यहाँ पे अपनी वीडियो में भी, जो कि काफ़ी लंबी है, 1 घंटे 1.5 घंटे की। यहाँ पे देखो भाई, 3 रिएक्ट 4 4 4 कैमरे खुल जाएंगे भाई यहाँ पे, तो भाई ये नहीं देखने वाला हूँ मैं बिल्कुल भी। बट हाँ, इस वीडियो में ऐसा ही हुआ था यार कि बेचारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। फिर वापस से सोविक भाई की वीडियो आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोविक भाई ने ऐसा करा ना भाई, ऐसा घुमा के कुछ तो करा कि भाई आते हैं भाई थॉर भाई की स्ट्रीम पे हमारे, और सीधा दे देते हैं चैलेंज किसी और नाम से, और वही बात हो जाती है भाई सीधा। फिर TDM में क्या होता है ये सबको पता है अभी ऑलमोस्ट। और यहाँ पे इतना मोड़ ले चुकी थी ना ये, मतलब ये जो इधर उधर की बातें हो रही थी, कंट्रोवर्सी कह लो या फिर बहसबाजी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, जो हो रही थी ना ये यूँ मोड़ ले ली इसने, यूँ मोड़ ले लिया भाई। ये वाली चीज़ देखो बस, तो अभी भाई बोलो ना भाई मेरे से 1v1 करने के लिए एक बार, अगर इतना ही रियल है भाई तो मतलब एक बार बोलो 1v1 से। चलो छोड़ो घंटा, मैं क्या मेरे किसी एक क्लैन के लड़के से कर लो, ठीक है, मेरे एक क्लैन के लड़के को तुम हरा के दिखा दो, ठीक है। ये यहाँ पे गोडेम की बात कर रहा था वो भाई, उसको कोई नहीं हरा पाया आज तक हमारे क्लैन में, और जितने भी बंदे हम मिले हैं सब किसी से भी मिलवाया, उस बंदे को कोई नहीं हरा पाया आज तक, तो इसकी बात कर रहा था यहाँ पे हवाबाजी में। 10 पॉइंट करके दिखा दो भाई। क्लैन प्लेन के चक्कर में रहूंगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सीधे बाप को ही उड़ाना पड़ेगा। भाई बढ़िया मार रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है जिसके चलते ये गेम में हार गया। ओ हेलो सोविक डी लाइव, ढूंढ के निकाल के मारूंगा। ये वैसे पता है एक बंदा आया था चैट में, उसको बोल रहा था थॉर, और यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दी गई बात है ना यार। सोविक भाई की जो एडिटिंग है ना, क्या बात है, क्या बंदा यार। पता है ये बंदे से ना आप ले सकते हो भाई मोटिवेशन बहुत चीजें ले सकते हो। जैसे तुम इस भाई की बॉडी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक नहीं है, एकदम बहुत मस्त ट्रांसफॉर्मेशन है और मजा आया देख के ना, और उससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल रही है अब जिम जाने की रोज। मेरे क्लैन में जो भी बंदे हैं उनके साथ तुम कर लो, फिर मेरे पे आना। आज की स्ट्रीम उसी को रोस्ट करने के लिए बनी है। आज का स्ट्रीम मेरे को रोस्ट करने के लिए बनी है। बनाओ भाई स्ट्रीम, बनाओ, मैं आ रहा हूं। ले यहां पे भाई हमारे से कर लो, एक 1v1 कर लो हमारे साथ, 40 रुपए में। बिहार से बोल रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को।
भाई कर लो यार, हजार ही करता हूँ भाई, कर। अच्छा हजार रुपए करूंगा तो चलो हितेश भाई, हजार रुपए करो जल्दी से, फिर करता हूँ तुमसे वन वी वन। डन 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 भाई, स्ट्रीमर का यहाँ पे माइंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और बातों से बहुत जल्दी मुकर जाता है, दैट्स व्हाई जल्दी कर देते हैं भाई को, भाई का माइंड चेंज ना हो जाए। हितेश भाई हितेश ही हो ना कि कहीं सोविक डी बन के आए हो? ना ना सोविक डी, सोविक भाई आ गए, सोविक भाई आ गए फाइनली कंटेंट बनाने। कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई को पता चल चुका था कि मैं सोविक डी हूँ और हर बार बोलता है, दिक्कत ना है, देख लेंगे। क्या विवेक माहौर, थैंक यू फॉर 1000 रुपीज यूपीआई ब्रो। बहुत दिनों बाद आए ना सर। डन, ओके आ जाओ भाई, आप आ जाओ ठीक है। हितेश भाई को, हितेश भाई आप अपनी आईडी भेज दो। आईडी भेजा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे भाई ना पहचाने, क्योंकि लास्ट में मजा आने वाला है फिर रिएक्शन देखने में, और अभी देखो। हेलो भाई। हाँ जी भाई, हितेश भाई कर लो भाई वन वी वन, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, आ जाओ। इसी तरीके से यहाँ पे कहानी शुरू हो चुका था, पर बीच में गेम के बीच में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ स्ट्रीमर ने कर दिया जिससे हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। आज तक कोई स्ट्रीमर ने लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है, जिसके चलते ये गेम में हारते हारते ऑलमोस्ट हार गया था या फिर हार गया, जो भी है अब देख लो। अब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भी खेल रहा हूँ इसी वाले मैच में एमसीयू वेब, तो यहाँ पे मैं पूरा गेम देख रहा था। यहाँ पे एलगाटो हटाने की बात करी थी तो वो खुद ही थॉर कंफर्म कर चुका है, हमारी कॉल पे भी बात हुई थी, वहाँ पे शॉर्ट हो गई थी वो बात, ठीक है। और मैं भी स्ट्रीम कर रहा था, मेरे स्ट्रीम पे भी दिख रहा था भाई कैसे खेल रहा है वो, ठीक है, सारी बातें भी सुन रही थी और जो भी था बढ़िया था। भाई 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 बढ़िया मार रहा है यार ये। भाई खेल तो बढ़िया रहे थे यहाँ पे दोनों भाई अपने एक नंबर खेल रहे थे भाई, एक नंबर, दोनों का बिल्कुल टक्कर का मैच था। और बस एलगाटो नहीं होता तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा और सही हो जाता मैच, बट यहाँ पे ऐसा सीन हो रखा था। अब इस स्टेडियम मेटल के बाद थोड़ा सा रूप यूं ले लिया था कंट्रोवर्सी ने, जहाँ पे हेट जो आ रही थी वो थॉर की तरफ ऐसे जा रही थी ना, यूं शू शू, जिससे उसका मेंटल पीस भी थोड़ा सा जा रहा था और घर तक पता चल गई थी बात, ठीक है। अंकल आए उसके पास, उसके पापा आए, मैं उस टाइम लिटरली मैं भी कॉल पे था भाई, वो पता नहीं क्या सीन हो रखा था, उसके पापा भाई ऐसे ऑलमोस्ट डरे ही हुए थे एक तरह से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी भाई थोड़ा सा खतरनाक सा सीन हो गया था भाई, ठीक है। मैं कॉल पे था भाई, मेरी खुद फट गई थी सुन के बातें, मैंने कहा यार अब थोड़ा सा गलत हो रहा है, बट इतने में ही इन दोनों की कॉल पे भी बातें चल रही थी, ठीक है, मैसेजेस पे भी बातें चल रही थी और ऑनलाइन भी बातें हो रही थी भाई दोनों के बारे में, जो कि थोड़ा सा गलत हो रहा था। इतने में ही थॉर को भी गलती रियलाइज हो गई थी, उसने क्या क्या बोल दिया है, और सोविक भाई को भी थोड़ा सा यूं हो रहा था कि भाई हाँ यार गलत हो रहा है उस बंदे के साथ, ठीक है। तो उतने में ही कॉल वॉल पे थोड़ी बहुत बातें होती है और उसके बाद ये वीडियो आती है। एक दिन पहले ही वीडियो आई है तो तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मेरे घर पे ही शूटेड है। और तो वो अपने डी आर्मी को समझा रहे थे कि हेट स्प्रेड मत करो इस नाम से। एक सेकंड, डी आर्मी को नहीं समझा रहा था क्योंकि मेरे डीआरवी के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के आपके कमेंट सेक्शन में बस गाली भरते रहे। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल भाई। यहाँ पे जब ये बंदा रोया ना, मेरी आंखें भी खुद नम की नम रह गई, और उस टाइम पे मेरे को पता चल गया था कि भाई ये बंदा किस चीज़ से यूं हो रखा है, समझ रहे हो। और उतने में ही ये वाली वीडियो देख के, और उससे पहले भी सोविक भाई को भी पता चल गया था कि बंदे पे क्या क्या बीत रही है, तो वहाँ पे सोविक भाई का खुद कॉल आता है और सॉर्ट करते हैं वो चीज़ों को, ठीक है, ना कोई बहसबाजी कुछ नहीं, कॉल आता है उसके बाद सॉर्ट होती हैं चीज़ें, समझ रहे हो, जिससे कि पता चलता है कि दोनों भाई अपने अच्छे इंसान है ना। ज़्यादा अगर आप हवा में उड़ोगे ना तो सीधा ऊपर वाले के पास ही पहुंचोगे सीधा, ज्यादा हवा में उड़ोगे तो वही सेम चीज मेरे साथ हुई। हाँ। मेरे को बहुत जल्दी जमीन पे ले आए लोग हैं, मैं समझ में आ गया, इतनी रिपोर्ट पड़ी है बहुत भर के, अबे डाउन टू अर्थ हो चुका है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये वही वीडियो देख के मन मेरा कर रहा है सोविक भाई, एक छोटा सा एक बात बोलने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं तो फिर हेट दोगे, वैसे बोलूंगा तो दोगे क्या,
बोल दूं मजाक सोफिक डी भाई से मेरी बात हो गई है, मैंने सॉरी बोल दिया, मैं दिखा भी दूंगा तुम लोगों को। सोफिक डी भाई ये छाती के बाल आपके ये सही से क्यों नहीं साफ करे भाई, क्यों नहीं मानेगा भाई, नहीं मानेगा क्या भाई ये बंदा, बस मैंने बोल दिया पता नहीं पूरा मान कोई उड़ाना क्या 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 बोला भाई ने तेरे बाप को बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 उसने बोला, बोला या फिर एक मिनट मैंने कुछ भाई बोला, ने बोला कि सीधा क्लैन वाले को बाप को उड़ाना पड़ेगा, मतलब इसको नीचे है जो क्लैन प्लेन के चक्कर में रहूंगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक रुपए कम नहीं मांगता उस टाइम पे सच में, अगर कंफर्म होता तो वीडियो बनाई थी मैंने, मैंने की ये देखो सामने वाला सौ विकटी है, ये देखो सौ विकटी है, वो मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा था मानता हूँ, इस टाइम भी मैं हवा में ही था। सही सबसे बड़ी बात यही होती है भाई, सबसे बड़ी यही बात होती है कि भाई अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर एक्सेप्ट करो कि आपने क्या करा है, और दोनों तरफ से वो चीज़ें हुई और तभी ये जाके थोड़ी सी शांत हुई चीज़ें, समझ रहे हो, नहीं तो अब तक बवाल मच चुका होता भाई इंटरनेट पे भी और असली में भी भाई। सही में मेंटल हेल्थ के और ज़्यादा लग जाते। यहाँ पे इसने प्रूफ भी दिए कि सोविक भाई से इसकी कैसे कैसे बात हुई, ये माफ़ी भी मांग रहा था और ये सब चीज़ें हो रही थी, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे फिर ये ऐसे ही सारी चीज़ें क्लियर करता है इस वीडियो में, ठीक है, और अपनी यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग भी बताता है ताकि कि कोई भी धोखे में रहे, ठीक है, बाकी करोगे तो आप अपने मन की। लेकिन अब ये यहाँ पे ये हो रहा था, जाहिर सी बात है कि मतलब मेरे को रिएक्ट करना था, लोगों का वो आ रहा था कि भाई सोविक टी पे रिएक्ट करो, सोविक टी पे रिएक्ट करो, तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई चलो करते हैं। और भाई मैं सब पे आप पे ही नहीं, मैं सब पे ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ भाई, एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ अच्छा अच्छा पार्ट दिखाऊँगा या अच्छी अच्छी तारीफ ही करूँगा तो वो थोड़ा मतलब ख़राब नहीं लगेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे गाइस सही में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेंटल हेल्थ के ऐसे तैसी, और सिचुएशन तो छोड़ो तुम, सब चीज़ें ऐसी चीज़ ख़राब हो रही थी कि वही वाली बात है ना, कुछ टाइम पे एक ऐसा होता है कि मतलब बंदे गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत हो जाती है। और ये वाली बात तुमने बहुत लोगों से सुनी भी होगी, रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है, लड़का लड़की में भी, कि कई बार तो सिचुएशन खराब हो जाती है, लड़का लड़की खराब नहीं होते हैं। तो वहीं पे ही वही वाली बात को यहाँ पे रेफर करके मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ना दोनों अपनी जगह सही थे, जो जो चीज़ें हुई, ठीक है, हम अनबायस्ड रिएक्शन रहते हैं तो दोनों चीज़ की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोचा था मैंने नहीं रिएक्ट करूंगा इस चीज़ पे, बट आप सबको भी मेरे ख्याल में मैंने बताना ज़रूरी था कि क्या क्या हुआ भाई के बीच में, और अब सब सॉर्ट आउट है, ठीक है, बिल्कुल सब सॉर्ट आउट है। भाई का खुद से सामने से फ़ोन आया कि भाई कैसे हो, तबीयत कैसी है, और सब कुछ पूछा घर वाले कैसे हैं सोविक भाई ने, तो वो सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई। 20-40 मिनट बात हुई इन दोनों की कल भी मेरे आगे सामने, और उसके अलावा पहले भी कॉल आया था मेरे ख्याल में, तो उस टाइम पर भी बात हुई थी अच्छे से, बट अब सब कुछ सही है, ठीक है। डी आर्मी थॉर आर्मी तब एक नंबर टॉप पे बिल्कुल गाइस, समझ रहे हो। तो बस यही थी यार छोटी सी हमारी एक वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन करा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या अभी क्या चल रहा है, अभी सब कुछ परफेक्ट है गाइस, किसी को हेट देने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे हेट देने की ज़रूरत है, ठीक है, ना डी आर्मी को हेट देने की ज़रूरत है, ना थॉर आर्मी को हेट देने की ज़रूरत है, ना वैम्प आर्मी को हेट देने की ज़रूरत है तो सब एक नंबर मजे में। अभी नूप प्रैंक को मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगा मेरे ख्याल में, अगर ये वाली वीडियो चल जाती है, ताकि ऐसे ही थोड़ा सा रिएक्शन रिएक्शन लेके आते रहेंगे हम इस वाले चैनल पे भी। बाकी कैसी लगी आपको वाली वीडियो मेरे को जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखना गाइस अपना और अपनी फैमिली का भी, इस आउट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कर दो, सब्सक्राइब करना कर दो, बाय बाय।